पहले शर्त मिला था कि इनको लोन मिला था 2013 में मंत्री बनने के पहले ये इनको नवंबर 2014 में मंत्री बनाया गया लोन इनको शायद मंत्री बनने के पहले मिल गया था लेकिन उसके बाद भी इनको मंत्री बना दिया गया I think that Business Today article, which is an annexure, you'll find that as an annexure, I think that mentions that. So in some cases, they were bought back by the same people. कैसे जनरेट होता है और बाहर कैसे जाता है यूजुअली कुछ तो वो पैसा है जो ऑफिशियल्स को मंत्रियों को घूस के तौर पर दिया जाता है वो लोग हवाला के थ्रू बाहर ले जाते हैं लेकिन बहुत सारा पैसा ज्यादातर पैसा ऐसा है कि जो ये बड़े बड़ी कंपनियां जो हैं जैसे रिलायंस का तो साफ साफ निकला ना कि उन्होंने ये जो गैस का प्रोजेक्ट है उसमें एक रिग खरीदी जिस पर कि सीएजी की रिपोर्ट आई है कि उसमें बहुत हैवी ओवर इनवॉइसिंग हुई और बाहर की कंपनी से खरीदी बाहर अपनी कंपनी को ही टैक्स हेवन में बना लेते हैं उससे बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस पर खरीद लेते हैं तो आपका जहां जो चीज आप 100 करोड़ की खरीद सकते थे वो आपने 1000 करोड़ की खरीदी अपनी ही कंपनी से जो आपने बाहर रजिस्टर कर ली अपनी कंपनी को एज ए इंटरमीडियरी बना दिया ट्रेडर ट्रेडिंग कंपनी और उस तरह से आपका 1000 करोड़ बाहर चला गया वो आपके जेब में चला गया उसके बाद जैसे हमने दो चिट्ठियां एसआईटी को जो लिखी थी कि रिलायंस का 6000 करोड़ रुपया एक बिल्कुल पेपर कंपनी जो सिंगापुर में थी उसके जरिए वापस मुकेश अंबानी की कंपनियों में उनकी पर्सनल कंपनियों में जो 100% उनकी ओन कंपनी थी उनमें आ गया उसी तरह से अनिल अंबानी का 3750 करोड़ रुपया इसी तरह से आ गया सिंगापुर के द्वारा अब ये होता है साइकलिंग आउट का तरीका तो यही सब पैसा जो बैंक से लिया जाता है किसी को साइफन आउट कर लिया जाता है फिर कहते हैं कि हमारी कंपनी में तो लॉस हो गया सो ये सब तरीके हैं एक्चुअली दिस इज अ कोटेशन एट पेज 2 इज अ कोटेशन फ्रॉम द address of the Deputy Governor of Reserve Bank, Shri K.C. Chakravarti, where he says, quote, in cases of restructuring, there seems to be a distinct bias. Actually, you should read that whole thing is attached, his whole address. It's a very long and very nice address about the CDR, etc. There seems to be a distinct bias. Page 23 of the document is one of the annexures. It's a long annexure. He says there seems to be a distinct bias towards large ticket borrowers than the weaker segments of the economy.
that is micro and small enterprises, agriculture and priority sectors. Statistics on restructured advances show that medium and large segments account for over 90% of the restructured accounts, while the share of micro and small segments keeps dwindling over the years. और उन्होंने और भी चीजें बोली थी इसमें. उन्होंने बोला था कि ये सब गलत तरीके से हो रहा है. वो quotation शायद इसमें डाला नहीं गया है. कौन से पेज पर है जहां उन्होंने ये बोला था ना कि seems to be कहां पर H3? अच्छा हाँ, ये देखिए पेज 4 पर है द बॉटम. मिसयूज ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम. अगेन ये डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक का ही कोट है. ही सेज देयर इज sufficient evidence, anecdotal and otherwise, that restructuring is often used by banks for evergreening problem accounts to keep the reported NPA levels low. Additionally, there are many instances of unviable units taking recourse to restructuring, leading to a situation where deserving and viable units get overlooked. Especially in the small ticket segment. छोटे छोटे जो deserving लोग हैं उनको आप नहीं देते, बड़े बड़े undeserving लोगों को आप दे देते हैं खूब सारा पैसा, हजारों करोड़. In cases of restructuring, फिर बाकी तो वही है. हाँ वही तो अभी हमने पढ़ दिया था. हाँ तो ये वाला पहले हमने quote किया. So therefore, Reserve Bank का Deputy Governor खुद ये कह रहा है कि ये सब हो रहा है. अनडिजर्विंग लोगों को दिए जा रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग, डिजर्विंग जो छोटे छोटे वाले हैं उनको नहीं दिए जा रहे, ये सब चल रहा है. There is a CDR cell which is supposed to be under the RBI, but which consists of the lending banks. जो अगर consortium है तो उनका, so 5-6 banks उसमें involved होते हैं in that restructuring usually. But वो we have been seeing कि वो सब influence हो जाते हैं या कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है, बाकी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं. बिकॉज़ सी प्रॉब्लम इज दैट मेनी ऑफ दीज बैंक्स आर इन्वॉल्वड इन द सेम काइंड ऑफ थिंग. सो देयरफॉर जस्ट द फैक्ट दैट देयर आर 5 बैंक्स इन्वॉल्वड डज नॉट स्टिल लेंड एनी अश्योरेंस कि कोई गड़बड़ नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि पहली बार देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन ऑल दिस सो दैट पीपल नो कि भाई किसका रिस्ट्रक्चर हो रहा है, हु हैज डिफॉल्टेड. रिस्ट्रक्चरिंग आप कर रहे हैं तो उसकी अप्रेजल रिपोर्ट लगाई है कि भाई विच शोज कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड सो ऑन. सो देयरफॉर एंड वी आर सेइंग कि ये फोरम शॉपिंग नहीं हो सकती, बैंक शॉपिंग नहीं हो सकती. देयरफॉर देयर शुड बी ए क्रेडिबल इंडिपेंडेंट बॉडी विच डज द अप्रेजल. And if that appraisal says कि भाई नहीं, this is not viable, it's going to mean sending good money after bad, then it can't be done. Sir, just a related question to that. In these all 8 cases, the parties which have been benefited, their name has been given. Ultimately, the banks to which they defaulted, their name has been given. But ultimately, the consortium which you're talking about, which ultimately approves the restructuring, has not been like mentioned. Ultimately, बट यू प्रॉब्ली गेट मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन.
I have a couple of questions. First question is about related matter about this bank losses. Money has been going on for decades. Any loan above 30 lakhs is not given or not sanctioned unless there is an MP or someone involved in this, and that whole thing is taken care of for the present and future also. This has not been investigated by anyone so far. The second one is as far as doing Aish, as you said about Mali and others with our public money. Industrial development corporations of different state governments, which have been promoting industry specifically, their loans, their money, that money, public money has been taken for hiring huge bungalows and servants costing millions per month and at taxpayers' money. This is different from his investment and what is due on that in terms of the success or whatever. On this, letters have been written, nothing has been done by state government or the center. You may be right. You see, there are all kinds of scams going on. Not scams. I'm talking about these losses in this public sector, which is being caused by this kind of specific methods. So, you know, you are pointing to another kind of irregularity, which is that these industrial development corporations, etc., misuse their funds for buying bungalows or giving bungalows to people. That's all right, that's a different thing. See, there, as I said, there are all kinds of irregularities, etc., going on in this country. Today's, the object of today's press conference is to focus specifically on one particular kind of scam, which is of huge dimensions. Because it involves huge amounts of public money. Sir, क्या इससे अलग होकर कुछ सवाल करके इससे अलग होकर सर जी आई हैव अ क्वेश्चन इससे रिलेटेड सर आप प्लीज प्लीज आई हैव अ क्वेश्चन दैट इज देयर नो एनी बॉडी व्हिच स्क्रूटिनाइज एंड रेगुलेट दिस रिपोर्टर्स लाइक पुट देम इन रेड लिस्ट दिस ऑल रिपोर्टर्स रिजर्व बैंक का जॉब है बट द पॉइंट इज दैट ऑल द पीएसबी बैंक्स व्हिच हैव बीन ऑलरेडी गिविंग एंड दो डिफॉल्टर्स हु हैव नॉट रिटर्न देयर मनी सो फार ठीक रिजर्व बैंक प्रिपेयर्स अ लिस्ट बट द problem is that list is not put out on a website. There is a body called the Bank Employees Association. All India, they say if you turn to page in this, we have annexed some documents of the All India Bank Employees Association. Page 57. 57 is the All India Bank Employees Association ka. It says combined top 30 bank loan accounts in 24 public sector banks. This is of 31st March 2013. Now this Bank Employees Association does come out with some such information. But what we are saying is complete information about defaulting accounts should be available, defaulting accounts, restructured accounts, etc., as well as fines imposed should be available, and the appraisal reports, so that people can see, restructure up kis basis per kar rahe hain, what is the appraisal that you have done. Ab jaise ye airport metro hai, uska wo project kar dete hain ki bhai hum 2 lakh passengers roz le jayenge. अभी 2 लाख तो लोग फ्लाई भी नहीं करते दिल्ली एयरपोर्ट से, 2 लाख पैसेंजर आप कैसे ले जाएंगे. आप कुछ भी प्रोजेक्शन कर दें कि हमारे तो इतनी रेवेन्यू हो जाएगी. सो देयरफॉर अप्रेजल रिपोर्ट शुड बी बिफोर द पब्लिक सो दैट पीपल कैन क्वेश्चन दैट कैसे आपने ये अप्रेजल कर दिया. सर, दैट क्वेश्चन AIBA, यू आर टॉकिंग अबाउट बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन. इन 2003 they came up with a compendium of 1000 bank defaulters with a complete list, and it was taken up in the parliament also. So what happened to that? I think nothing has changed despite taking that step. That was the first time they came up with the defaulters list in public. Sometimes this is acting like a whistleblower, this Bank Employees Association. Instead of our having to rely on whistleblowers like this, there should be official disclosure by the banks and the authorities concerned.
Reserve Bank should put out their list, every bank should put out their list, every public sector bank. So they should be obliged to put out these lists on a public website and all this information. सलमान खान वाले हिटेड रन मामले में जो लोअर कोर्ट थी उसके पास जो एविडेंस दिया था सेम एविडेंस हाई कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट को दिया और जिससे उनको बरी कर दिया एक सवाल ये दूसरा कमेंट ये हरियाणा में जो पंचायत का जो चुनाव हो रहा है जो होने वाला है उसमें जो जो दसवीं पास या आठवीं पास का जो मसला था वो भी एक तरीके से ले लिया था उन्होंने देखिए ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का ये मेरी राय में दुर्भाग्य हम लोगों की राय में दुर्भाग्यपूर्ण है गलत है दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये कह देना कि भाई पंचायत के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए और एमपी और एमएलए के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए ये कहां का लॉजिक है बिसाइड्स देखिए पंचायत में तो बहुत सारे ऐसे ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम होती है लेकिन उनकी कॉमन सेंस ठीक ठाक होती है उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक होती है पंचायत में वो लोग आ सकते हैं अगर ये कहा जाता है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए तो भी कुछ समझ में आता आप पंचायत के लिए ये कह सकते हैं और उसको अपलोड कर लिया जाता है मेरी राय में हम लोग की राय में बिल्कुल गलत है सलमान खान देखिए हिंदुस्तान की ट्रेजेडी ये है कि जहां बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व होते हैं जिन केसेस में अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत सारे केसेस में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है थोड़े ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी इन्वॉल्व है लेकिन जस्टिस हो जाए इस सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ये इतिहास रहा है हिंदुस्तान की जुडिशरी का और मैंने तो खैर सलमान खान के खिलाफ क्या एविडेंस था नहीं था इतना डिटेल में नहीं स्टडी किया लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है कि ये भी उसी तरह का एक केस है योगेंद्र जी आपने एक ट्वीट भी किया है नेशनल हेराल्ड को लेकर के राहुल गांधी पर सवाल उठा है क्या कहना चाहते हैं प्रशांत जी ने भी कहा है ये बड़ी मुद्दे की बात है कि अगर उस केस के बारे में कांग्रेस पार्टी को या जो लोग आरोपी हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी को उन्हें कुछ भी कहना है जैसे प्रशांत जी मैं और आप सब लोग कोर्ट में जाके कहते हैं जाके कहें उस पे संसद में हंगामा करने का क्या मतलब है क्या वो ये इशारा कर रहे हैं पर कर रहे हैं तो उन्हें खुल के कहना चाहिए कि जो कोर्ट में होता है दरअसल कोर्ट में नहीं होता वो पार्टियां सेट करती हैं उससे पहले क्या ये कह रहे हैं कल परसों ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो ये सुन के बड़ी व्यथित हूं कि सोनिया जी और राहुल गांधी को कोर्ट में जाना पड़ेगा इतने साल उन्होंने देश की सेवा की है मैंने कहा कि ऐसा करें कि देश की एक सीआरपीसी अलग से गांधी परिवार के लिए बना दी जाए बाकी नागरिकों के लिए एक सीआरपीसी होगी गांधी परिवार के लिए दूसरी सीआरपीसी होगी कैसा कैसी स्थिति है कि ये सब लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं संयोग से आज एक परिवार के बारे में चर्चा हो रही है पर मुझे लगता है कि इस देश की पूरी पॉलिटिकल क्लास ने अपने लिए